आप देख रहे हैं मनोहर आंजना डॉट कॉम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए क्या ठीक रहता है या कौन सा नज़रिया ठीक रहता है। जैसे ट्रेडिंग में हम शेयर खरीदते बेचते हैं तो उनके लिए कौन सा नज़रिया ठीक रहता है, पहला जो कि टेक्निकल एनालिसिस है, दूसरा जो कि फंडामेंटल एनालिसिस है, इन दोनों के फ़ायदे इन दोनों के नुकसान क्या होते हैं ये बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या काम करता है, शॉर्ट टर्म में क्या काम करता है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू दे देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस एक इन्वेस्टमेंट की मेथोडोलॉजी है जो इन्वेस्टमेंट प्योरली बेस्ड किस चीज़ पे होता है, मार्केट एक्टिविटी जो कि आसपास चल रही होती है। वो एक्चुअल में क्या कर रही है कंपनी उस समय उसको देखना नहीं चाहता है और ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है टेक्निकल एनालिसिस। पिछले इतिहास में कीमत के साथ क्या हुआ था या किस कीमत पे क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर है तो उसने उस समय जब गिरावट आई थी तो कहाँ तक गिरावट आई थी, यानी कि वो 80 रुपये से वापस ऊपर चल दिया था या 50 रुपये तक गिरा था या 50 रुपये से ऊपर चला था, पहला हिस्टोरिकल। और दूसरा ट्रेडिंग विथ वॉल्यूम, इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपये पर जब ट्रेड करने लग जाता है तो उसमें कितनी क्वांटिटी बाय या सेल हो रही होती है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही होती है, वो भी एक मोटा मोटी इससे आपको ट्रेंड का अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले समय में ट्रेंड नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा या जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और शेयर लगातार गिरते जा रहा है तो इस चीज़ की संभावनाएँ बढ़ जाती है कि आने वाला ट्रेंड भी नेगेटिव ही है। और यदि कीमतें गिर रही है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है या क्वांटिटी शेयर्स की ज़्यादा नहीं है तो हमें समझ सकते हैं कि ट्रेंड में अभी ज़्यादा दम नहीं है। तीसरा यह कि इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इंडस्ट्री में ट्रेंड की बातें करें हम तो, जैसे अभी भारत की हम बात करें तो NBFC में थोड़ा सा ज़्यादा अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर चल रही है। जो लोन्स दे रहे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, जो लोन उन्होंने पहले दिए हैं वो NPA बढ़ा रहे हैं, ग्रोस NPA बढ़ा रहे हैं, नेट NPA बढ़ा रहे हैं। तो अभी NBFC सेक्टर का जो कोई सा भी शेयर, चाहे फिर आईबूर हुआ या कोई से भी हुए, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेंगा, लेकिन आपको मोटा मोटी उससे पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको इन तीन चीज़ों की सहायता से बताएगा कि मार्केट में किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, पॉजिटिव ट्रेड लेना है, नेगेटिव ट्रेड लेना है। वहीं अगर आप आगे चल के हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू बताता है, स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू बताता है कि कंपनी अभी क्या कर रही है, अभी बताता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करना पड़ती है या क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ती है इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के पहले। तो रिवेन्यू, जैसे कि मान लो उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उस सेल्स को करने के लिए उसके खर्चे कितने हो रही हैं, और खर्चे करके जो सेल्स कर रहा है उससे उसकी इनकम कितनी हो रही है, पहला ये। दूसरा ये ग्रोथ कितनी है कंपनी की। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कपड़े बनाती है, अब कपड़े का जो बाज़ार है वो हर साल 20% से ग्रोथ कर रहा है, अगर ये कंपनी 20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ करती है तो यहाँ पर हम मानेंगे कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और हम फंडामेंटल के हिसाब से इसमें बाय कर सकते हैं। यदि कंपनी 20% के एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ से नीचे काम कर रही है तो फिर ये हमारे लिए बाय करने के संकेत नहीं है, हमें उसमें कंपनी में और भी कुछ देखना पड़ेगा। तीसरा कंपिटिटिव फैक्टर ऑफ द कंपनी फेस कर रही है। कंपिटिटिव फैक्टर ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ब्रोई प्रोडक्ट आया, जैसे कि मान लीजिए अभी इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गई है और वो कंपनी जिसमें आप देख रहे हैं वो अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही बना रही थी, जैसे डिस्पोजल बनाना या पॉलीथीन बनाना जो कि सिंगल यूज़ में है। अब सरकार की कुछ ऐसी नीति आ गई जिससे कि अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं बनेगा, तो अब या तो कंपनी ऐसा करे कि इनका जो वर्तमान में जो भी ऑपरेशन कर रही है कंपनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाने की, वो बंद करके जो क्या बोलते हैं उसको स्थाई जो पॉलीथीन होती है जो एक से ज़्यादा बार यूज़ करें उस तरह के विचार करें, या कोई नया प्रोडक्ट बनाने लग जाए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के लिए गलत चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें हैं, कंपनी के शेयर से गिरने लग जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी आर असेट इन द इंडस्ट्री, इसका यह मतलब होता है कि आप किसी भी उद्योग में चले जाइए, जैसे मान लीजिए अभी टायर बनाने वाली कंपनी, अब टायर बनाने वाले कंपनी को रबड़ चाहिए, अब वहाँ उस इंडस्ट्री में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो किस ब्याज दर पर पैसा उठा रही है,
अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बात करें, वो 10% के ब्याज दर से पैसा उठा रही है, तो उस कंपनी को उस समय ऐसा लगता है कि हमारी जो रिटर्न होगा, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उससे जो रिटर्न मिलेगा वो 10% से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपनी 10% ब्याज पर पैसा उठा रही है और कंपनी का खुद का एक्चुअल ग्रोथ अगर 10% से नीचे है तो ब्याज ही नहीं दे पाएगा कंपनी, ग्रोथ तो दूर की बात है। तो सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब गोल ऑफ एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसी से ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे हम कंपेयर करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में से दोनों में से अच्छा क्या है। तब यहाँ देखिए, जब कंपेरिजन की बात आती है तो पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है या किस टाइम के लिए हम ट्रेड करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट कंसिडर होता है टाइम आपका, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वही टेक्निकल जो होता है वो मोर ऑफ द शॉर्ट टर्म मेथोडोलॉजी होता है। बाई प्राइजिंग ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस इज वर्किंग टुवर्ड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वेयर ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म पे फोकस होता है। दूसरा ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर आपकी है, क्या अप्रोच बना रखी है आपने, इन्वेस्टर के रूप में बना रखे हैं अपने आपकी अप्रोच या ट्रेडर की, अगर आपने इन्वेस्टर की बना रखी है तो आपको फंडामेंटल ठीक रहेगा, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या कुछ दिन के लिए पोजिशन होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है। दोस्तों इन दोनों को समझने के लिए हमने आपकी मदद के लिए कुछ बुक्स बना रखी है, जैसा कि ये पहला बुक है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने आपको बताया है शॉर्ट टर्म निवेश कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए सच्चा साथी आपको मिलता है। ट्रेडिंग निवेश कुछ भी कर सकते हैं आप, टेक्निकल एनालिसिस उसमें सारी बातें हिंदी में समझाई गई है, साथ में जो लेटेस्ट अभी जो मार्केट में ट्रेड चल रहा है उसमें वो चार्ट आपको दिखाए गए हैं, कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, कहाँ पर सेल, कौन सा इंडिकेटर कहाँ लगाना होता है, कौन सा इंडिकेटर कहाँ काम करता है कहाँ नहीं काम करता है, किस किस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और साथ ही साथ यदि आपको निवेशक बनना है तो आपके लिए भी एक अच्छी हमने बता रखी है ये फंडामेंटल एनालिसिस की किताब है, इसमें सारी चीज़ें बेसिक, यदि आपका इनसे कभी पाला ही नहीं पड़ा, आप शेयर बाज़ार में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इस बुक को खरीद के आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा हिंदी में है और लाइव चार्ट आपको दिखाया गया। लाइव चार्ट से मतलब ये है कि बैलेंस शीट, P&L क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें हिंदी में बताई गई है और एकदम स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कोई एडवांस लेवल का, एकदम बेसिक से शुरू किया गया है इसमें। तो दोस्तों यदि आप खरीदने के इच्छुक हों नीचे कमेंट करके बताएं, या कंपनी का जो लोगो आपको दिख रहा है manoharanjana.com या जो चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उसकी वेबसाइट पर विजिट करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।